हर बार आप हमें अपने फैसले सुनाते थे, आज हम आपको इस शादी के बंधन से आजाद करते। अंधेरा है तो रोशनी भी है, और अंधेरा तब तक ही होता है जब तक हमारी आंखें बंद रहती हैं। यदि आंखें खुल जाए तो रोशनी अपने आप आ जाती है। कृष्णा, आज नहीं पापा, आज हमारे और इस मिस सुहागन के बीच में कोई नहीं आएगा। और वैसे भी आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आज तो हम आपकी और आपकी इस लाडली बहू की ख्वाहिशें पूरी करने जा रहे हैं। भाई, शो की कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर क्रिश जी को बचाने के लिए बार में पहुंच जाती है बिंदिया अम्मा जी के साथ, और बहुत ज्यादा डर रही है बिंदिया, और अम्मा जी उसे कह रही है तू कर लेगी बेटा। दूसरी तरफ हम देखते हैं विक्रम को बचाने के लिए क्रिश बार में गया है, क्रिश को बचाने के लिए बिंदिया और अम्मा जी चले जाते हैं। अब बिंदिया और अम्मा जी भेष बदल लेते हैं और यहाँ पर अरे बाबू, तू कब तक किसी दूसरे की ख्वाहिश पूरी करने के लिए खुद को तकलीफ देता रहेगा, हाँ? और तू करने क्या जा रहा है? इस सो कॉल्ड सुहागन की ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूँ। क्या हुआ कृष्णा जी, आप कौन से ख्वाहिश की बात कर रहे हैं? पेशेंस रखो बिंदिया, अभी पता चल जाएगा। शेख साहब के किरदार में वो हमें दिखाई देते हैं, उनका गेटअप रेडी करके आए हैं, और यहाँ पर जो पायल है वो नाचना नहीं चाहती है, लेकिन जिससे उसने उधार लिया है, जिस औरत से, वो औरत उसे मजबूर करती है और कहती है बेटा तुझे पाई पाई तो चुकानी पड़ेगी। जहाँ अभी दो शेख आए हैं उनके सामने अपने ठुमके लगा, उनके सामने नाच के दिखा, और जिस तरीके से वो पायल को धक्का देती है तो पायल का घूंघट उड़ जाता है, और यहाँ पर देख लेती है बिंदिया और अम्मा जी की ये तो पायल ही है। अब इसके बाद बिंदिया से कंट्रोल नहीं होता, वो अम्मा जी से कहती है बस अम्मा जी अब बहुत हुआ, अब कैसे ना कैसे करके हमें इस पल्लू का सच तो कृष्णा जी के सामने लाना ही होगा। अम्मा जी भी कहती है हाँ बिल्कुल सही है, तो ऐसे में ये लोग कृष्णा को जैसे तैसे सामने लाएंगे पायल के, और दिखाएंगे पायल की सच्चाई। क्या इसके बाद कृष्ण का प्यार कम हो जाएगा पायल के लिए, या पायल की सच्चाई सामने आने के बाद कृष्ण छोड़ देगा पायल को? खैर देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।